वालेरा में बुनियादी संख्या ज्ञान एवं आत्मरक्षा शिविर में सीखे आत्मरक्षा के गुर। साइला उपकंड क्षेत्र के वालेरा के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 7 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर व 3 दिवसीय बुनियादी संख्या ज्ञान शिविर का शनिवार को समापन हुआ। शिविर का समापन जिला शिक्षा अधिकारी भवरलाल परमार के मुख्य अतिथि व शिविर प्रभारी मूलाराम राणा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान परमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आत्मरक्षा के सिखाए गए गुर को विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन करने हेतु प्रेरित किया। वहीं साथ ही विद्यालय में समस्त लेखा संबंधित दैनिक डायरी, विद्यालय रिकॉर्ड, संधारण, संख्या ज्ञान, कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन के बारे में जानकारी दी। आत्मरक्षा दक्ष प्रशिक्षक संतोष सिद्ध, रामेश्वरी, सुमन बाजिया, गौरी कच्चेप, अंशु डारा व वर्षा रैया द्वारा ब्लॉक की शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। बुनियादी संख्या ज्ञान प्रशिक्षण शिविर में व्यवस्थापक संदर्भ व्यक्ति लुम्बाराम चौधरी ने प्री और पोस्ट टेस्ट द्वारा उपस्थिति के आधार पर पंजीकरण करवाया गया। दक्ष प्रशिक्षक सुरेश बैनीवाल, खीम सिंह, ओम प्रकाश, नोपाराम, दिलीप सिंह, मंजू, सीता सुंदेसा, वालाराम व व्यवस्थापक हीर सिंह ने प्रशिक्षण दिया। जिला मुख्यालय द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के लिए नीडर टीम गणपत सिंह मंडलावत एवं उनकी टीम द्वारा भी सम्मलन प्रदान किया गया। मैं वर्षा रैया, शारीरिक शिक्षिका, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रायनाडा। 24/8/2024 से वालेरा के मॉडल स्कूल में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जो 31/8/2024 तक चलेगा। इसमें पूरे संभाग के 120 संभागियों ने भाग लिया है और इन संभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए 6 MT हैं, मास्टर ट्रेनर, जो जयपुर से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। और इन सभी संभागियों को आत्मरक्षा से संबंधित लिखित जानकारी और शारीरिक रूप से भी इन्हें तैयार करना, किस तरह के पंच होते हैं, किस तरह के मूवमेंट कठिन परिस्थितियों में उपयोग करके जो हम अपनी सुरक्षा के लिए काम में ले सकते हैं बताए गए हैं। बाहर मॉर्निंग में प्रैक्टिकल क्लास होती है और आफ्टरनून के अंदर थ्योरी क्लास होती है, जिसके अंदर हम उनको बताते हैं किस तरह से हम अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से, पुलिस से मदद ले सकते हैं। साइबर क्राइम अगर आपके साथ हो रहा है, बच्चों के साथ पॉक्सो एक्ट जैसी समस्याएं अगर हो रही हैं, तो उस तरह के सारे अधिनियम जो हम अपनी सुरक्षा के लिए काम में ले सकते हैं सरकार की मदद से, पुलिस की मदद से, उसकी जानकारी दी जाती है। और ये संभागीय इस सब जानकारी को लिख कर, समझ कर, सीख कर अपने अपने विद्यालय में जाकर बच्चियों को देंगे, ताकि बच्चियां भी इस चीज़ से अवेयर हों कि किस तरह से वो अपनी सुरक्षा कर सकती हैं आने वाली कठिन परिस्थिति में, और हमारे समाज में बच्चियां सुरक्षित हो सकती हैं। इसी तरह हम आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो यहां आयोजन किया जा रहा है, वैसा का वैसा शिविर हम जाके अपने विद्यालयों में सारे संभागीय आयोजित करेंगे। हर महीने 10-10 दिन का ऐसा कैंप लगेगा और सभी संभागीय अपनी बच्चियों को इसके लिए ट्रेन करेंगे ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। धन्यवाद। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के तहत प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें जो मूल रूप से पहली, दूसरी, तीसरी और सरकार ने MEP 2020 के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और उन लक्ष्यों के तहत बच्चे को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिल जाना चाहिए, उससे संबंधित नवाचार और नया प्रशिक्षण इन संभावित जो अपने संभागीय शिक्षक हैं उनको प्रदान किया जा रहा है। आज इस ट्रेनिंग का तीसरा और अंतिम दिन है और आज गणित विषय से संबंधित, उससे पहले भाषा हिंदी से संबंधित और भी मॉड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण। कुल कितने संभागी भाग ले रहे हैं इसमें? सर 37 है, जो बैच नंबर 4 है, और ऐसे कैसे 4 बैच चल रहे हैं। इसके साथ में एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण का भी 2-3 बैच चल रहे हैं, वो 7 दिवसीय और ये 3 दिवसीय। क्या कटवाना है कटवाई, और कटवा करके तुरंत आप अपना एक की भी सैलरी दी चाहिए सेवा में, बहुत जरूरी है। एक दिन की सैलरी रुक गई, आपकी सेवा सत्यापन नहीं होगी, सेवा सत्यापन नहीं होगी तो आपको वेतन प्रति नहीं मिलेगी, इंक्रीमेंट नहीं मिल सकता। इसलिए जरूरी है कि आपकी सेवाएं अनवर्त हो। और यदि PU साहब की अभी मीटिंग होगी, मैं कहता रहता हूँ उसका दिन की बैठक में, कि हर हाल में किसी भी कार्मिक की अवसर नहीं लगा, उनको लीव आप बता सकते हैं और ट्रेनिंग बता सकते हैं, ये भी है तो उनको आप ऑप्शन नहीं लगा। हर बार कहते हैं जो सब एक जैसे नहीं होते हैं, कोई यो पावरफुल ज़्यादा होता है, नियमों की ज़्यादा जानकारी।